हेलो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों से नवरात्रि के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। नवरात्रि एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग है नाइन नाइट्स, यानी कि नौ रातें। बेसिकली जो नवरात्रि है वो एक हिंदू फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल में हम दुर्गा माता के नौ रूपों की पूजा करते हैं। दुर्गा का मतलब जीवन के दुख को हटाने वाली या हरने वाली होता है, और दुर्गा माता के लिए ही ये फेस्टिवल मनाया जाता है। जो नवरात्रि फेस्टिवल है, इसी नाम से चार और फेस्टिवल्स हैं, यानी कि जो नवरात्रि है साल में चार बार आती है, जिसको कि हम सीजनल नवरात्रि भी बोल सकते हैं। पर इसमें से जो मेन फेस्टिवल है, दैट इज शरद नवरात्रि, जो कि ऑटम सीजन में आती है, और इसी को ही सबसे ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। जो मैंने अभी आपको बताया कि ऑटम सीजन में हम शरद नवरात्रि या शारदा नवरात्रि भी बोलते हैं, उसको हम मनाते हैं। तो अगर हिंदू कैलेंडर को हम देखते हैं तो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग अश्विन मंथ होता है, जो कि सितंबर या अक्टूबर में आता है, और अश्विन मंथ में ही हम शरद नवरात्रि को मनाते हैं। जो नवरात्रि का फेस्टिवल है वो नाइन डेज चलता है, और टेंथ डे पर दशहरा मनाया जाता है। और इसके पीछे भी एक स्टोरी है, या आप कह सकते हो कि एक कथा है। वो ये है कि सबसे पहले लॉर्ड रामा, यानी कि श्री रामचंद्र जी ने शरद नवरात्रि की पूजा समुद्र तट पर स्टार्ट की थी, और उसके बाद टेंथ डे वो लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए निकले, और उन्होंने विजय प्राप्त की। तब से नवरात्रि खत्म होने पर टेंथ डे पे दशहरा मनाया जाने लगा, यानी कि नाइन डेज नवरात्रि मनाई जाती है, और टेंथ डे पर असत्य पर सत्य की जीत का फेस्टिवल, दैट इज दशहरा, उसको मनाया जाता है। दशहरा को हम विजयदशमी भी बोलते हैं। नवरात्रि को दुर्गा पूजा भी बोला जाता है, और दुर्गा पूजा ज्यादातर हिंदू धर्म के लोग ही करते हैं। इंडिया के अलग अलग जगहों पे नवरात्रि फेस्टिवल अलग अलग तरह से मनाया जाता है। जैसे कि अगर हम ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करते हैं, तो वहां पर नवरात्रि के दिनों में दुर्गा पूजा की जाती है। गॉडेस दुर्गा ने धर्म को बचाने के लिए महिषासुर राक्षस से युद्ध किया और विजय प्राप्त की। और अगर हम नदरन और वेस्टर्न स्टेट्स की बात करते हैं, तो नौ दिन रामलीला चलती है और फिर दशहरा मनाया जाता है। कुछ रीजन्स में ऐसा भी है कि नवरात्रि और दशहरा को कंबाइन करके मनाया जाता है, और इनको 10 डे सेलिब्रेशन की तरह ये मनाया जाता है, यानी कि 9 डेज नवरात्रि प्लस 1 डे ऑफ दशहरा, तो 10 डेज का फेस्टिवल होता है। और पूरे के पूरे 10 दिनों को क्या नाम दे दिया जाता है? नवरात्रि का नाम दे दिया जाता है। अब जो दशहरा फेस्टिवल है वो क्यों मनाया जाता है? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो लॉर्ड रामा थे, उन्होंने रावण राक्षस के ऊपर विजय प्राप्त की थी, तो इसलिए हम दशहरा को मनाते हैं। अब अगर हम सदर्न स्टेट्स की बात करते हैं, तो वहां पर एज ए साइन ऑफ विक्ट्री ही इसे मनाया जाता है। गॉड राम या गॉडेस सरस्वती जी की विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए हम इस फेस्टिवल को मनाते हैं। किसी भी जगह की बात हम ले लें, उन सभी में एक कॉमन थीम चलता है कि पहले युद्ध हुआ और फिर विजय प्राप्त हुई। विजय किसकी हुई? बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई, या फिर विजय हुई। और अलग अलग रीजन्स के अकॉर्डिंग अलग अलग कथाएं हैं, अलग अलग एपिक्स के अकॉर्डिंग अलग अलग स्टोरीज भी हैं, जैसे कि रामायण या फिर देवी महात्म्या में से ही ज्यादातर कथाएं हैं। महात्म्या क्या है? महात्म्या इज अ ग्लोरी ऑफ द गॉडेस, इसको हम दुर्गा सप्तशती भी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो नाइन नाइट्स हैं फेस्टिवल की, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, और वो किस देवी के अवतार को डेडिकेटेड हैं। बेसिकली ये जो नाइन नाइट्स हैं, ये अलग अलग अवतार या रूप हमें बताती हैं दुर्गा माता के। दुर्गा माता को हम शक्ति भी बोलते हैं। इस फेस्टिवल को रीजन्स के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह से मनाया जाता है। तो अगर हम बात करें, नाइन डेज ये फेस्टिवल चलता है, और हम तीन पार्ट्स में इसे डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कि पहले तीन दिन, फिर अगले तीन दिन, और फिर लास्ट वाले तीन दिन। जो फर्स्ट थ्री डेज हैं, वो फोकस करते हैं गॉडेस दुर्गा के ऊपर। जो सेकेंड हाफ है, यानी कि डे फोर, फाइव और सिक्स, वो फोकस करते हैं गॉडेस लक्ष्मी जी के ऊपर।
और जो डे हैं सेवन नाइन सॉरी सेवन एट एंड नाइन वो फोकस करते हैं गॉडेस सरस्वती जी के ऊपर, यानी कि इन 9 डेज में दुर्गा माता के 9 रूप और गॉडेस लक्ष्मी, गॉडेस दुर्गा और सरस्वती जी की पूजा की जाती है। अब अगर हम 9th डे की बात करते हैं तो 9th डे पे क्या किया जाता है, कन्या पूजा की जाती है, जिसे हम बोलते हैं कि कंच की बिठाई जाती है। इस पूजा में 9 लड़कियां होती हैं, 9 लड़कियों को बिठाकर उनकी पूजा की जाती है और उनको कुछ गिफ्ट्स दिए जाते हैं या फिर कुछ सामान दिया जाता है, कुछ खाने पीने के लिए दिया जाता है, कई बार कुछ कपड़े दिए जाते हैं या टॉयज भी गिफ्ट किए जाते हैं। इस तरह से हम नवरात्रि फेस्टिवल को एंड करते हैं। तो अब मैं आपसे पर्टिकुलर डे बाय डे हर एक दिन की सिग्निफिकेंस के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। ये जो 9 के 9 दिन हैं दुर्गा माता के 9 रूपों को ही समर्पित हैं। तो जो फर्स्ट डे है दैट इज डेडिकेटेड टू गॉडेस शैलपुत्री। शैलपुत्री का मीनिंग होता है पहाड़ों की पुत्री। सेकेंड जो डे है दैट इज फॉर माता ब्रह्मचारिणी। इसमें जो माता हैं उनका एक सती का स्वरूप दिखाया गया है, यानी कि उसमें उनकी अनमैरिड लाइफ के बारे में दिखाया गया है। थर्ड डे जो है दैट इज फॉर गॉडेस चंद्रघंटा। चंद्रघंटा का मीनिंग होता है चांद की तरह चमकने वाली। जब माता पार्वती का शिवजी से विवाह हुआ, यानी जब उनकी उनसे मैरिज हुई शिवजी से, तब उसके बाद उन्होंने अपने जो फोरहेड था उस पे हाफ चंद्रमा सजाया था, और चंद्रमा से आप याद रख सकते हैं माता चंद्रघंटा। डे 4 इज फॉर माता कूष्मांडा। माता कूष्मांडा को क्रिएटिव पावर माना जाता है यूनिवर्स की। कूष्मांडा का मीनिंग होता है कि पूरा जगत उनके पैर में है। ऐसा माना जाता है कि उनके कारण ही धरती पर वेजिटेशन यानी कि पेड़ पौधे या निष्क्रिय जीवन जो था वो स्टार्ट हुआ। जो डे 5 है, डे 5 पे स्कंद माता की पूजा की जाती है, दैट इज मदर ऑफ स्कंद। जो स्कंद थे वो पार्वती माता जी के बेटे थे, जिन्हें हम कार्तिकेय जी के नाम से जानते हैं। स्कंद माता जी एक मदर की स्ट्रेंथ को डिनोट करती हैं, कि जब एक एक मदर जो है, जब उसके बच्चे के ऊपर कोई भी आंच आती है, कोई भी डेंजर आती है, तब वो अपने बच्चों की किस तरह से रक्षा करती है। डे 6 पर कात्यानी माता की पूजा की जाती है। कात्यानी माता का जन्म एक कात्यायन आश्रम में हुआ था, और उनके जो पिताजी थे वो एक साधु थे। इसमें पिक में माता को एक योद्धा की तरह भी दिखाया गया, आप ध्यान से देखिए। और ये सबसे ज्यादा वॉयलेंट फॉर्म है गॉडेस दुर्गा की। D7 जो है वो माता कालरात्रि जी को समर्पित है। कालरात्रि का मीनिंग होता है काल का नाश करने वाली। जो कालरात्रि माता थी वो गॉडेस दुर्गा की सबसे ज्यादा क्रूर रूप है। इस रूप में जो माता थी उन्होंने अपनी फेयर स्किन को त्याग दिया था, यानी कि माता इस अवतार में ब्लैक कम्प्लेक्शन में हमें दिखाई दे रही हैं। यह अवतार उन्होंने राक्षसों को मारने के लिए लिया था, और कौन कौन से राक्षस थे जिनको उन्होंने मारा था, शुंभ और निशुंभ को उन्होंने मारा था। नेक्स्ट इज डे 8, और डे 8 पर महागौरी माता जी की पूजा की जाती है। महागौरी का मीनिंग है सफेद रंग वाली माता। जो गॉडेस महागौरी जी हैं, वो पीस और इंटेलिजेंस को डिनोट करती हैं। लास्ट डे जो होता है उसमें सिद्धिदात्री माता की पूजा की जाती है, यानी कि डे 9 पे सिद्धिदात्री माता की पूजा की जाती है। सिद्धिदात्री का मीनिंग है सर्व सिद्धि देने वाली माता, यानी कि सभी सिद्धियां देने वाली माता। अब मैं आपके साथ एक छोटा सा ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। ये कुछ लाइंस हैं जो कि मैंने हिंदू के फेमस ग्रंथ में से ली हैं। दुर्गा सप्तशती एक पाठ है जिसके अंडर दुर्गा कवच आता है, तो ये लाइंस मैंने उसमें से ली हैं। अगर ये लाइंस आप याद कर लें तो आप इजीली जो माता के ये 9 रूप मैंने बताए हैं तो उनको आप याद रख सकते हो। पहली शैलपुत्री कहलावे, दूसरी ब्रह्मचारिणी मन भावे, तीसरी चंद्र घटा शुभ नाम, चौथी कूष्मांडा सुखधाम, पांचवी देवी स्कंद माता, छठी कात्यानी विख्याता, सातवीं कालरात्रि महामाया, आठवीं महागौरी जग जाया, नवी सिद्धिदात्री जग सब जाने, नव दुर्गा के नाम बखाने।
ये जो लाइंस मैंने आपको बताई हैं, ये सभी लाइंस मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में भी लिखी हैं। अगर आप चाहें तो वहां से भी इन लाइंस को पढ़ सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।